सत श्री अकाल जी सारे नूं। जज्बाती जिंदगी स्टोरीज़ दे विच एक बार फिर तुहाड़ा स्वागत है। नवीं कहानी एहसास दे नाल हाज़र हाँ ते उम्मीद करदी हाँ कि पसंद भी जरूर करूँगी। अज अमर दफ्तर तो जिवें ही घर वापस आया तो देखिया कि उसके दोने बच्चे टीवी देखण विच मस्त सी ते उसकी पत्नी रूबी रसोई विच खाना बना रही सी। रूबी, किन्नी बार कहा बच्चों नूं ज़्यादा टीवी ना देखण दिया कर, उन्हां दीआं अखां कमज़ोर हो जाणगीआं। बूट तेरे जराबा उतारते हुए अमर ने कहा तो रूबी ने जवाब दिता, बई जेकर टीवी बंद कर दिया तो फोन फड़ लेंदे आ, ये किसी चीज़ तो बिना किवें टेके बैठ सकते आ, शैतान आ पूरे दोनों। मेरे को इन्ना टाइम कित्थे हुंदा कि इन्हां नाल बैठ के खेडा, घट्टो घट जो टीवी लगा हुंदा मैं अपना काम आराम नाल कर लैंदी हाँ तो ये भी टेके बैठे रहिंदे आ, नहीं तो मेरी एक लत्त रसोई च हुंदी आ ते एक इन्हां वल। ठीक है रूबी, बहुत थक गया, एक कप चाह ही बना दे यार, हुणे लियाई, कहिंदे होए रूबी चाह बनाउण चली गई। उसे समय फोन आया, फोन अमर ने ही चक्या तो दूजे पासों आवाज़ आई, हैलो अमर, तेरा वड्डा भाई बोल रहा। सत श्री अकाल भरा जी, होर की हाल है, परिवार सेहत सब ठीक है, बच्चे किवें ने? दूजे पासों आवाज़ आई कि परिवार सब राजी खुशी है, बीबी का की हाल है? सब ठीक है छोटे, बीबी भी बहुत वधिया। बीबी बारे गल करनी सी तेरे नाल। की गल हुई भरा जी, बीबी की सेहत तो ठीक है ना? ठीक है छोटे, सब ठीक। असल में गल ये है कि बीबी तो बिल्कुल ठीक है, पर बीबी बारे जरूरी गल करनी सी। दरअसल साडा कनेडा का विजिटर वीज़ा निकलिया तो मैं ते तेरी भरजाई सोच रहे सी कि इस बार छुट्टियां उत्थे ला आईए। तेरा भतीजा उत्थे स्टडी वीज़े ते गया होया, उसने ही साडा अप्लाई किया सी ते हुण सोचदे आ कि एक महीने लई असी ते चले जावांगे, पर बीबी दा औखा हो जाना। अमर एक सैकेंड लई तां जिवें चुप जा कर गया, क्योंकि जदों तों रूबी विआह के आई सी उसदी बीबी नाल घट ही बणदी सी ते बीबी नूं वी शांति चाहीदी सी, इस करके वड्डा भरा बीबी नूं लै गया सी, क्योंकि उहनां दे बच्चे बीबी नाल काफ़ी वधिया रहिंदे सी ते बीबी दा वी दिल लग जांदा सी। उसदे भरा ने जदों अमर का कोई उत्तर ना सुनिया तो उसने फिर कहा कि छोटे वीर, गल सिर्फ एक महीने की आ, इत्थे बीबी नूं इकल्ले छड्डना ठीक नहीं, इस करके जे तू बीबी का इन्ना कु समां कढ़ा देवें, जिवें ही असी वापस आवांगे असी आउंदे ही बीबी नूं तेरे कोलों लै जावांगे। अमर ने सोचा कि गल तां सिर्फ एक महीने की ही है, तो उसने भरा नूं जवाब दिता कि कोई गल नहीं भरा जी, तुसीं बेफिक्र होके जाओ ते बीबी दी बिल्कुल चिंता ना करो, मैं बीबी नूं लैण आ जावांगा, तुसी जिस दिन जाना होया मैनू एक दो दिन पहला जरूर दस देना, नाले तुहानू मिल जावांगा ते नाले बीबी नूं लै जावांगा। ओके ठीक है फिर, तो उसदे भरा ने फोन कट दिता। फोन सुनदिया ही अमर कुछ सोचा विचारा विच पै गया सी। उदों ही उसकी पत्नी रूबी चाह लैके आई ते कहन लगी, तुहाडे मत्थे ते इह लकीरां डूंगियां क्यों हो गईआं, किहड़े विचारां विच गुम हो तुसीं, किस दा फोन सी? तां अमर ने जवाब दिता कि रूबी, भरा जी दा फोन आया सी, वह कह रहे सी कि उन्हां दा विजिटर वीज़ा आया तो वह एक महीने लई विदेश जाना चाहुंदे हन ते बीबी नूं इकल्ले छड्डना ठीक नहीं, इस करके वह बीबी नूं इत्थे रखण लई कह रहे हन। इन्ना सुणदिआं ही रूबी दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। की ते तुसीं हाँ भी करती? चौंकदिआं होइआं रूबी ने कहा, बई तां मैं होर की करदा, अपनी माँ नूं तकलीफ झलण दे लई छड्ड दिंदा। आ लो बैठे बिठाए हुण इक होर मुसीबत, रूबी मूँह बणाउंदे होए कहण लगी। अमर ने फिर कहा, देख रूबी, उमर दे इस पड़ाअ ते जदों मेरी माँ नूं मेरी जरूरत सी उदों सिर्फ तेरी जिद दे कारण ही मैं उसनूं वड्डे भरा जी कोल छड्ड आया सी ते अपने फर्जां तों मूँह मोड़ लिया सी, सिर्फ तेरे करके ही मेरी माँ मेरे नाल नहीं रह रही ते हुण उसदी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए मैं उन्हां नूं कुछ दिनों के लिए इत्थे लिआउणा चाहुंदा हाँ, तो यह भी तैनूं बहुत वड्डी मुसीबत लग रही है? फिर रूबी गुस्से च भड़कते हुए कहन लगी, अमर इन्ना तो तुसीं भी जानदे हो कि पेट विच इनफेक्शन की वजह करके अपने गोलू नूं रोज़ दिहाड़ी डॉक्टर कोल मैनूं लैके जाना पैंदा, उस दे लई मैं पहलां ही दफ्तर तों बहुत छुट्टियां लै चुकी हाँ, फिर भी उसकी सेहत टस तो मस नहीं हो रही,
की पता यह परेशानी कदों दूर होवे, ते उपरों हुण तेरे मम्मी भी। बस छड्डो तुसी, मैं तुहाडे नाल गल ही नहीं करनी। कहिंदे होए रूबी नाराजगी दिखाउंदे होए उत्थों चली गई। अगले हफ्ते भरा जी ने समा दिता सी, ते दित्ते समय अनुसार उह सवेरे जल्दी उठिया ते अपनी पत्नी की परवाह किते बिना ही तैयार होकर कार विच बैठ के बीबी नूं लैण चला गया। उह भरा जी नूं मिलिया ते फिर बीबी कोल गया। बीबी नूं पहलां ही दस दिता गया सी कि इन्ने समय लई बीबी छोटे पुत्तर कोल रहेगी, तां बीबी हदों वध खुश सी क्योंकि बीबी का छोटे पुत्तर नाल कुछ ज़्यादा ही प्यार सी। जदों तो बीबी ने सुनिया सी उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं सी हुई। अज इन्ने चिर बाद अपने पुत्तर का चेहरा देख बहुत खुश हो जा रही सी, पर फिर दूजे पल सोचिया तो कुछ उदास जिहा हो गई। उसका पुत्तर अपनी मर्जी नाल उसनूं लैण नहीं आ रहा, सगों अपनी माँ नूं घर विच रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन नाल बीबी ने अपने कपड़े एक बैग विच रखे ते नाल ही अपने दोनों पुत्रां दी छोटे हुंदियां दी फोटो अपने समान विच रख ली, जिस विच उसदे पति ने छोटे नूं बड़े प्यार नाल गोद विच चुक्किया होया। फिर उसदे कन्नां विच छोटे हुंदे अमर दियां किलकारियां गूंजन लगियां। वह अपने अतीत विच गुआच गई, उसदे सामने अपने पुत्रां दे बचपन दियां यादां जीवित हो गईयां। एक समां सी जदों बीबी अपने पति दे नाल पिंड विच रिहा करदी सी। उसदे पति पिंड दे ही सरकारी स्कूल विच अध्यापक सन। बीबी बहुता पढ़ी लिखी तो नहीं सी, पर बहुत ही समझदार ते सच्चियारी औरत सी। पिंड विच उन्हां दी चंगी जमीन जायदाद सी, जद्दी घर सी। भावें कि आर्थिक खुशहाली तो ज़्यादा नहीं सी, पर किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं सी। कमी सी तो बस ये कि विआह तो 4 साल बीत जाण दे बाद भी कोई संतान नहीं सी हुई। पता नहीं किन्ने तीर्थ स्थानां ते मत्था टेकिया सी उन्हां ने, किन्नियां अरदासां करवाईयां सी। सस दे ताने भी बहुत सुने सी कि इस दी कुख हरी नहीं होनी, तू कोई होर विआह करवा लै। पर बीबी नूं उसदा पति बेहद प्यार करदा सी। उसने बीबी नूं इत्थों तक भी कहा होया सी कि मैनूं औलाद दी उन्नी चाहत नहीं, मेरे लई तू सब तों वध मायने रखदी आ, मैनूं जिंदगी विच बस तेरा ही साथ चाहीदा। पर वह जानती सी कि यह दर्द तो उसके पति के अंदर भी सी, पर शायद उसने कदे बीबी सामने जाहर नहीं सी कीता। किहड़ा बाप औलाद नहीं चाहुंदा। जिवें जिवें समा पै रहा सी बीबी दियां अरदासां वधदियां जा रहियां सन। आखिरकार रब ने उन्हां दी सुन लई सी ते गगन ते अमर दे रूप विच उन्हां नूं अगड़ पिछड़ दो पुत्रां दी दात दित्ती सी। माता पिता बनदियां ही लाड़ प्यार नाल बच्चों नूं पालन लगे सी। दोनों बच्चे माँ तों एक मिंट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं सी करदे क्योंकि उन्हां दे पिता तां अध्यापक होण करके ज़्यादा समा बाहर ही रहिंदे सन ते शाम नूं खेतीबाड़ी दा कम देखदे सन। माँ दे नाल ही खाणा खांदे ते रात नूं बीबी दे नाल ही सौं जांदे। बीबी भी उन्हां दी माड़ी जिही रोण दी आवाज़ भी नहीं सी चलदी कि झट सारे काम छड्ड के भज्जी आउंदी। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। स्कूल तो बाद वड्डे पुत्र गगन ने पिता वांग सिक्ख्या विभाग नूं ज्वाइन किया सी ते छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करन तो बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी विच नौकरी हासिल कर ली सी। दोनों चंगा कमाउण लगे सन। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी अनुसार ही विआह लई कुड़ियां दी चोण कीती सी। वड्डे पुत्र गगन की घरवाली भी अध्यापक सी ते छोटे पुत्र अमर की पत्नी उस दे नाल ही कंपनी विच काम करन वाली एक बहुत ही मॉडर्न कुड़ी सी जिसकी माँ की बचपन में ही मौत हो गई सी। उसके पिता ने वधिया पढ़ाई दे लई उसनू मसूरी दे किसी चंगे स्कूल होस्टल में पा दिता सी। जदों पढ़ाई खत्म हुई तो उस तो बाद उसने नौकरी शुरू कर ली सी, पर इस दौरान वो कदे भी परिवार शब्द का मतलब नहीं सी जान सकी। जदों अमर ने अपनी पसंद के बारे में बीबी होरां नाल गल की ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਗੇੜ ਹੈ
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੂਬੀ ਨੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੂਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਾਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੂਬੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਰੂਬੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਅਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 20 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਮਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਂ, ਜੇਕਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆ ਸੱਸਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਅਖਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਜਾਉ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਮਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਥਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
वह बच्चों में परच गई सी, पर फिर भी पेंडोस के दिल विचों नहीं सी निकल सकिया। उसका जी करता कि हफ्ते बाद ना सही घट्टो घट महीने च एक बार तो पेंड जरूर चक्कर लावे, क्योंकि बीबी मोहाली तो आ गई सी पर रूह बीबी दी पेंड विच ही रह गई सी। फिर बच्चे हौली हौली वड्डे हुंदे गए ते उना कोल भी बीबी कोल बैठन दा समा घटदा रहा। स्कूल पास किता ते आयलट्स करके विदेश चले गए। हुण बीबी घर विच जिवें इकली जी हो गई सी। नूं पुत्तर भी नौकरी तो आउण तो बाद अपने कमरियां विच रहना ज़्यादा पसंद करदे सी। बीबी बच्चों नूं बहुत मिस करदी सी। पोते पोती दे जाण दा दुख बीबी नूं उहनां दे मां बाप तों किते ज़्यादा होया सी। हौली हौली बीबी की सेहत खराब रहन लगी सी। वड्डे भरा गगन तो अमर नूं जद इन्हां गल्लां दी खबर मिली तो उसने भी स्थिति नूं समझदिआं होया जद अपनी पत्नी कोले गल कीती कि बीबी नूं हुण अपने कोल लै आउंदे आ, तां रूबी तां जिवें लड़ाई करन लई तैयार ही बैठी सी ते चिट्टा जवाब दे दित्ता कि जां तां इस घर विच मैं रहांगी जां फिर बीबी। हालात तों परेशान होके अमर ने भरा नूं दुबारा फोन ही ना लाया, क्योंकि जे वह फोन भी करता तो अगों कहिंदा की, ना तो वह हाँ कर सकता सी ते ना ही ना। उसने बीबी नूं अपने हाल ते छड्डना ही ठीक समझा। जिथे हफ्ते बाद फोन करता सी हुण उत्थे महीने बाद भरा नूं फोन करके बीबी की खैर खबर लै लिया करता सी। बीबी कोल भी वड्डे पुत्तर दे घर विच हरेक सुख सुविधा तो सी, बस नहीं सी तो उसके पोता ते पोती। वैसे तो बीबी का ख्याल बहुत चंगी तरह रख्या जांदा सी। काम वाली भी बीबी नूं उसकी मनपसंद की चीज़ बना के दे दिंदी सी, पर बच्चों का चड़चोलड़ मन नूं जो सुकून दिंदा वह कोई फोन टीवी जां काम वाली नहीं दे सकती। बीबी ने अपने आप नूं बिजी रखने लई धार्मिक किताबां पढ़निया शुरू कर दित्तियां। छोटे जे पार्क विच कोई ना कोई नवा बूटा लगा के खुशी मिलती उसनूं, क्योंकि हुण उसनूं इन्ना तो पता लग गया सी कि अमर उसनूं अपने कोल लिजाण वाला नहीं। एक बार पहला भी उसने पिता की मौत तो बाद लारा ला के बीबी नूं मुड़ नहीं सी पुछया। इस करके बीबी ने इत्थे ही मन परचाउण लई छोटे मोटे कम्मां विच अपने आप नूं रुझाई रखिया ते नतीजे वजों उसकी सेहत विच हौली हौली सुधार होण लगा सी। वड्डे पुत्तर कोल रहिंदिआं बीबी नूं किन्ने साल हो गए सन। इस समय दौरान अमर कदें कदाई ही बीबी नूं मिलन जांदा सी, पर इस बार 6 महीने हो गए सी। काम विच बिजी होण कारण वह बीबी नूं मिलन नहीं सी आया। पुरानियां यादां दे समुंदर विच गोते खांदी बीबी हजे यह सब सोच ही रही सी कि पिछों आवाज़ आई, बीबी सत श्री अकाल, की हाल है? अमर ने बीबी दे पैरी हाथ लाए ते सेहत बारे पुछया। अपने पुत्र दा मूँह वेखदिया ही बीबी दे चेहरे ते जिवें नवी बहार आ गई सी। एकदम सब कुछ भुल भुला के पुत्र नूं अणगिनत दुआवां दित्तियां। बीबी दा समान गड्डी विच रख के अमर बीबी नूं अपने नाल ले आया सी। घर पहुँच के उसने बैल वजाई तां रूबी ने ही गेट खोलिया। अमर दे कहण ते रूबी ने दफ्तर तों छुट्टी लै ली सी। अपनी सस नूं समान दे नाल देख के रूबी थोड़ा उखड़ जी गई ते अणमन्ने जे मन नाल उसने सस ते पैरी हथ लाए। बीबी दा समान लैके अमर अंदर रखन लगा ते बीबी अपने नूं नूं देख के मुस्कुराउंदी होई उसके सिर ते हथ रख के ढेर सारियां दुआवां देन लगी। फिर रूबी ने भी एक नकली जी मुस्कुराहट दे नाल कहा, बीजी आ जाओ अंदर आके बैठो। किसी दे आउण दी आवाज़ कन्नां विच पई तां दोने बच्चे भी तुरंत कमरे विचों भज्जे आए। मम्मी तुसी किस नाल गल्लां कर रहे सी? बीबी दी पोती ते पोता भज्जे भज्जे उस वल आए ते कहण लगे, देखो देखो साढ़े घरे गैसट आए ने। फिर अमर ने मुस्कुराउंदिआं होइआं कहा, नहीं बेटा ये कोई गैसट नहीं, ये तुहाडे दादी जी ने। पता जदों तुसी बहुत छोटे सी उदों इन्हां नूं मिले सी। चलो हुण चलो छेती छेती पैरी हथ लाओ। अपने प्यारे जे पोते पोती नूं देख के बीबी च तां जिवें नवां जोश आ गया सी। उसने दोनों बच्चों नूं अपने सीने नाल ला के बहुत लाड़ प्यार दिता ते अपनी गोदी विच बिठा के ही उन्हां नाल गल्लां करन लगी। दोने बच्चे भी हस हस के बीबी नाल तोतलियां मारदे रहे, पर यह सब कुछ रूबी नूं बिल्कुल चंगा नहीं सी लगा। अंदर ही अंदर उसके कालजे ते जिवें सप्प मेल रहा सी। एक पासे उसनूं यह समझ नहीं सी आ रहा कि अपने दो कमरियां दे फ्लैट विच वह सस नूं रहण लई कित्थे जगह देवे, ते दूजे पासे
मन ही मन अमर ते भी गुस्सा आ रहा सी कि जेकर अपनी मां नूं लियाउणा इन्ना ही जरूरी सी तां पिंड क्यों नहीं छड्ड दित्ता। इत्थे मेरे सिर ते लिया के बिठाउण दी की लोड़ सी। अपनी नूंह दा सुभाअ तां बीबी शुरू तों ही जाणदी सी। रूबी दे मूँह तों उसदी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही सी, पर उसके रवैये नज़रअंदाज करते हुए बीबी बच्चों कह लगी, बच्चियो अज तुहाड़ी दादी इन्ने टाइम बाद घर आई है तो मैनू अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ दादी जी, जरूर दिखावांगे, कहिंदे होए दोनों बच्चे दादी दा हाथ फड़ के अपने कमरे में लै गए। फिर अमर ने कहा, बच्चियो अपने कमरे में ही दादी जी का समान भी रख दो, अज तो दादी जी तुहाड़े नाल तुहाड़े कमरे में ही सौणगे। फिर एक प्यारी जी मुस्कुराहट के नाल अमर ने कहा, तुहानू पता तुहाडे दादी नू बहुत सारियां सोहणियां सोहणियां कहानियां आउंदियां, इसलिए रात नू सौण तो पहला उन्हां तो कोई कहानी जरूर सुनियो, तुहानू बहुत मज़ा आऊगा। इन्ना सुनदियां ही दोने बच्चे खुशी नाल टहकन लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कदे अपनी दादी नू अपने खिडौने दिखाउण लगदे ते कदे उसदे नाल कोई गेम खेडण दी जिद करन लगदे। इधर रूबी ने डाइनिंग टेबल ते खाना लाया ते बीबी दोनों बच्चों के नाल खाना खाने के लिए कुर्सी ते बैठी। अमर भी हाथ मूँह धो के आ गया सी। रूबी रसोई में सब दे लई गर्म गर्म खाना बना रही सी। तो बीबी ने कहा, बेटा एक गल तो बहुत चंगी हुई, पता नहीं किन्ने दिनों तो बच्चों के नाल खेडन का मेरा बहुत मन कर रहा सी। गगन के बच्चे जदों तो बाहर गए आ मैं तो एकदम इकली जी हो गई सी, उसके बच्चों का ज़्यादा टाइम मेरे नाल ही लंघता सी ते मैनू उदों दिन का पता ही नहीं सी लगता। जदों तो गए आ मैनू तो दिन वड्डे वड्डे लगन लगे सी। हुण रब ने शायद मेरी आवाज़ सुन ली। हुण इन्हां नाल खेड के अज मैनू इन्ना चंगा लग्या कि जी करदा रब मैनू अपने कोल भी बुला लवे तो कोई शिकायत नहीं। बीबी की यह गल सुनदिया अमर दियां अखां विच हंझू आ गए सी, पर किसी तरह लुकाउंदे हुए वह खाना खाण लगा। सारे बड़े मजे नाल खाना खा रहे सी, पर गोलू ने बुझे जे मन नाल रोटी खाधी ते प्लेट नू सरका के पिछे कर दिता कि मम्मी बस मैनू भुख नहीं। ये देख के बीबी ने कहा, गोलू पुत्र यह की, तू तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाधा, जेकर खाना नहीं खाएगा तो खेडन की ताकत कित्थों आऊ, तो सेहत भी खराब हो जानी है, फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं होनी। फिर अमर ने कहा, मम्मी दरअसल गल यह कि गोलू दे पेट विच इन्फेक्शन आ, जिस कारण उसनू अक्सर ही पेट दर्द की शिकायत ते उल्टी लग जाती है, भुख भी बहुत घट लगती है। बीबी ने चिंतित होंदिया कहा कि पुत्र फिर तो तुहानू उसनू डॉक्टर नू विखाउणा चाहीदा। डॉक्टर नू दिखाया सी बीबी, पर दवाइया का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा, कहिंदे होए अमर नू फिकर जिहा हो गया सी। जदों रात हुई तो बीबी दे सौण दा प्रबंध बच्चों के कमरे में ही किया गया सी। दोनों बच्चे दादी दे आउण नाल बेहद खुश सन। दादी ने उन्हां सौण तो पहला बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाई। बच्चे बड़े ही ध्यान नाल कहानी सुनते रहे। हुण बीबी नू भी आई नू एक दिन ही होया सी कि बच्चे पूरी तरह उस नाल खुल मिल गए सी। अगले दिन सवेरे जदों रूबी उठी तो देखिया 7 बज रहे सी। हाय रब्बा, मैनू तो अलार्म की आवाज़ ही नहीं सुनी, बच्चों नू तैयार करके स्कूल भी भेजना, अज तो पक्का मैं दफ्तर तो लेट हो जाना। यह सोचद्या वो छेती छेती उठी तो नहा धो के अपने बच्चों के लिए मैगी बनाने लई रसोई वल भजी। पर जिमें ही रूबी अपने कमरे में बाहर निकली तो वह देख के हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू नाल महक रहा सी। और रसोई में गई तो देखा उसकी सास ने सवेरे सवेरे ही आलू गोभी की सब्जी ते गर्म गर्म परौंठे बनाए हुए सी। यह सब देख के रूबी नू मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर बीबी दे प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी नू दूर कर दिता। रूबी पुत्र उठ गई तू, दफ्तर दे लई तैयार हो जा, मैं सब दे लई टिफिन तैयार कर दिते आ, चाह भी बना ली आ, जल्दी जल्दी खाना खा लो नहीं तो तुहानू देर हो जानी आ। ठीक है बीजी, पर पहला मैं बच्चों नू तैयार कर दिनी आ, मुस्कुराते हुए रूबी ने कहा। फिर बच्चों के पिछों आवाज़ आई, मम्मी असी तो तैयार भी हो गए, सानू तो पहले ही दादी जी ने तैयार कर दिता सी, अज दादी के नाल ही असी सवेरे सवेरे उठ गए सी।
यह सारा नज़ारा देख रूबी एकदम हैरान ही रह गई। अज दफ्तर विच लंच टाइम होया तो रूबी ने अपना टिफिन खोलिया तो उसका टिफिन देखद्या ही उसके नाल काम करने वाली हैरान रह गई तो कहन लगी, रूबी ये तो कमाल हो गया, अज तो नूडल या सैंडविच नहीं परौंठे तो सब्जी लैके आई हाँ, ये सारा खाना तू बनाया। बई क्या बात है, इन्नी वधिया खुशबू आ रही है कि जी करदा तेरा टिफिन ही खा जाइए। पर तेरे लाइफस्टाइल विच इन्ना चेंज कित्थों आ गया, क्योंकि तेनू तो सवेरे सवेरे खाना बनाउण दा टाइम ही नहीं मिलता। फिर रूबी ने जवाब दिता कि नहीं नहीं, असल विच मेरी सास कुछ दिनों के लिए साढ़े घर रहन आई हुई है, ये खाना मैं नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। रूबी ते उसदे सहकर्मी ने बीबी दे बने हुए परौंठे ते सब्जी का आनंद लिया ते सारे वाह वाह करते हुए उंगलियां चटते रह गए। शाम नूं जदों रूबी ते अमर दफ्तर तो आए तो उस समय तक बच्चे भी खाना खा चुके से। रूबी दे आउंदिया ही उसकी बेटी पिंकी ने कहा, मम्मी पता अज सानू स्कूल विच टिफिन खाण च बहुत मज़ा आया, असी तो रोज़ रोज़ सैंडविच ते नूडल खा खा के बोर होए पए सी। फिर गोलू ने कहा, हाँ मम्मी अज तो मैं भी आपका टिफिन पूरा खत्म किया ते मैनू पेट दर्द भी नहीं होया। की सच्ची? सोनू की सेहत विच सुधार दा सुन के रूबी ते अमर खुशी नाल इकट्ठे ही बोले। फिर बीबी ने अपने पोते दे वालां विच प्यार नाल हाथ फेरदियां कहा कि हुण कदे भी पेट दर्द होना भी नहीं, हुण तू देखी हुण पूरी तरह ठीक हो जाना मेरे गोलू ने, ते कदे हुण तैनूं कौड़ी दवाई भी नहीं खानी पैनी। अपने बच्चों नूं दादी दा प्यार मिलदे देख अमर बहुत खुश सी। बीबी ने देख लिया सी कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद चिप्स नमकीन बिस्कुट चॉकलेट इन्हां चीज़ां दी ही मंग करदे सी, ते उन्होंने घर विच ही बच्चों के लिए देसी घ्यो ते आटे दीयां पिन्नियां नमकीन मटरी ते आलू दे चिप्स बना के रख दित्ते सी। बीबी दे बनाए इन्हां पकवानां दे अगे हुण बच्चों नूं बाज़ारां दा पैकटां वाला खाना बेकार लगन लगा सी, ते नाल ही उन्हां दी सेहत विच भी बहुत सुधार हो रहा सी। ते दूजे पासे बीबी दे आउण नाल रूबी तां हुण अपने बच्चों वल्लों पूरी तरह बेफिक्र हो गई सी। बच्चों के स्कूल तो आने तो बाद बीबी उन्हां दी बहुत चंगी तरह देखभाल करती, उन्हां नूं गर्म गर्म खाना बना के खवाउंदी। हुण तां घर विच पैकेट आने भी बिल्कुल बंद हो गए सी, सारा परिवार घर विच बने गर्मा गर्म ते ताज़े खाने खाण लगा सी। दोनों ही बच्चे जो पहलां स्कूल तो आउंदे ही टीवी दा रिमोट जां मोबाइल चक के कार्टून देखण विच बिजी हो जांदे सी, हुण उह बच्चे अपनी दादी दे नाल समां बिता रहे सी। सवेर दे समय तां उन्हां नूं स्कूल जाण दी ही छेती हुंदी सी, पर शाम दे समय उह दोनों हर रोज़ दादी दे नाल गुरद्वारा साहब मत्था टेकण भी जाण लगे। हैरानी दी गल तां इह सी कि अज तक उन्हां नूं इह पता ही नहीं सी कि उन्हां दे नेड़े कोई गुरद्वारा साहब भी है। रूबी ते अमर दे कोल तां इन्ना समां ही नहीं सी हुंदा कि बच्चों नूं लै जाण, पर अपनी दादी दे नाल रहण करके उह दोनों बहुत चंगीआं चंगीआं गल्लां ते चंगे संस्कार सिखण लगे सी। एक रात जदों रूबी पानी पीण दे लई उठी तां बच्चों के कमरे विचों कुछ आवाज़ां आ रही सी। उह दरवाजे कोल गई ते कमरे विच झाक के देखिया कि बीबी बड़े प्यार नाल बच्चों नूं कोई धार्मिक साखी सुना रही सी। दोनों बच्चे दादी दीआं दोनों बाहां ते सिर रख के आराम नाल लेटे हुए सी। इह सब देख के रूबी अपनी सास तों बहुत प्रभावित हुई। वैसे तां बीबी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सी, पर पंजाबी भाषा ते बहुत पकड़ सी, इह गल अमर भी जानदा सी। जदों उसने बच्चों नूं इह गल दसी तां बच्चे बहुत ही उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी विषय तां रूबी उन्हां नूं चंगी तरह पढ़ाउंदी सी पर पंजाबी नहीं सी पढ़ा सकती, इसलिए दोनों बच्चे पंजाबी दी पढ़ाई करदे समय अपने दादी दे कोल आ के बैठन लगे ते बीबी ने भी बड़े चंगे तरीके नाल उन्हां नूं सब कुछ समझाया सी। होर तां होर उन्हां दा घर जिथे हर समय खलारा ही पिया रहिंदा सी, बीबी दे आउण तों बाद साफ सुथरा ते सैट रहिण लगा सी। घर दी एक एक चीज़ सलीके नाल रखी हुंदी सी। शाम नूं घर वापस आउंदिया ही रूबी ते अमर नूं एक आनंदमई अहसास होण लगा सी। रूबी तां बीबी तों बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई सी, बीबी दे लई उसदे मन विच एक अपनापन ते प्यार फुटन लगा सी। शाम नूं दफ्तर तों आउण तों बाद रूबी सब दे लई चाह बनाउंदी ते इकट्ठे बैठ के सारे गर्मा गर्म चाह दा आनंद लैंदे। पूरा दिन कम करदे करदे
बीबी थक जाती होगी। ये सोच के रात का खाना रूबी बना दिया करती सी ते बड़े प्यार नाल घर के सारे मैंबर गर्म गर्म खाना खाते। बीबी नूं अमर दे घर आए हुए एक महीना होने वाला सी तां एक दिन विदेश विचों बीबी दे वड्डे पुत्तर गगन का फोन आया कि वह वापस आ रहा ते जेकर वह चाहे तो बीबी नूं उत्थे वापस छड्ड जावे। ये सुनदिया ही अमर चौंक जा गया क्योंकि बीबी दे नाल रहिंदे हुए एक महीने के समय विच ये भुल ही गया सी कि वह उन्होंने केवल थोड़े समय दे लई ही लैके आया सी। पर हुण मां नूं वापस छड्डन जाण दा उसका बिल्कुल भी मन नहीं सी। परे मन नाल उसने अपनी पत्नी रूबी नूं बीबी नूं वापस छड्डन दी गल दसी तां रूबी भी कुछ परेशान जी हो गई। फिर कहन लगी कि बीबी भी इत्थों जाना चाहुंदी है। तामर ने कहा नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्हां दे आउण नाल तैनूं परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं सोच लिया कि कल मैं बीबी नूं वापस छड्डन लई जावांगा। मैं 2 दिनों की छुट्टी अप्लाई कर देवांगा। अमर की इस गल ते रूबी एकदम चुप जी हो गई ते अमर ने भी इस समय चुप रहना ही ठीक समझा ते बिना कोई गल किते दोनों बैड ते लेट गए। पर दोनों दी अखां विचों नींद कोहां दूर सी। अगले दिन दुपहरे रूबी दफ्तर तों जल्दी छुट्टी लैके घर वापस आ गई। उसनूं अपनी सेहत ठीक नहीं सी लग रही, इसलिए बिना किसी नूं कुछ कहे वह अपने कमरे विच बैड ते जाके लेट गई। उसनूं तकलीफ विच देख के बीबी उस समय उसके कमरे विच गई, मत्थे ते हाथ ला के देखा तो वह तप रहा सी। बेटा तेनू तो बहुत तेज बुखार है, बीबी ने फिक्र जिहा करदिआं कहा ते छेती जाके बुखार की दवाई रूबी नूं दित्ती ते ठंडे पानी दीआं पट्टियां मत्थे ते रख दित्तियां। कुछ देर बाद जदों बुखार थोड़ा घट होया तां अदरक ते तुलसी वाली चाह बना के बीबी ने रूबी नूं पीण लई कहा। थोड़ी देर बाद रूबी का बुखार तो उतर गया सी, पर हजे भी उस दीआं अखां विचों लगातार हंझू बह रहे सी। अमर भी हुण तक घर वापस आ चुका सी। पर रूबी नूं की परेशानी आ, बीबी नूं इह समझ नहीं सी आ रहा, बिना किसी नूं कुछ दसे बस रोई जा रही सी। पर शायद अमर रूबी दे रोण दा कारण जान चुक्या सी, इसलिए उसने जान बुझ के अपनी माँ नूं छड्डन जाण लई बीबी दा समान पैक करना शुरू कर दिता। ये देख के रूबी बीबी नूं चिंबड़ गई ते उच्ची उच्ची रोण लगी। बीजी मैनूं माफ़ कर दिओ, मैं तुहाडे प्यार नूं समझण विच बहुत देर कर दित्ती, रब ने तां बचपन विच ही मेरे तों मेरी माँ खोह लई सी, मैनूं मेरी माँ दा प्यार नहीं मिलिया, पर जदों सस दे रूप विच मैनूं माँ मिली तां मैं तुहाडी ममता नूं पहचान नहीं सकी। इस तरह दा प्यार तां सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चियां नाल कर सकदी है। अपनी नूं रूबी दे मूहों अपने लई प्यार नाल भिज्जे शब्द सुन के बीबी दीआं अखां वी नम हो गईआं सी। फिर रूबी ने भरे गले नाल कहा कि बीजी हुण तुसीं अपनी इस धी नूं छड्ड के नहीं जाओगे, इत्थे साडे नाल ही रहोगे। इस आधुनिक जिंदगी की भज दौड़ विच मैं तां समझ ही नहीं सी सकी कि साडे वड्डे बजुर्गां दा साडे जीवन विच किन्ना महत्व है। बच्चियां दे जीवन ते दादा दादी द्वारा दित्ते गए संस्कारां दा सिक्ख्या दा किन्ना चंगा असर पैंदा, इस बारे विच मैनूं अमर ने समझाउण दी बहुत कोशिश कीती सी ते इह वी दस्सिया सी कि तुहाडे मोहाली जाण तों बाद वीर जी दे बच्चियां ते तुहाडियां सिक्ख्यावां दा किन्ना चंगा असर होया सी। इस गल का एहसास तो मैनू तुहाडे नाल रहन तो बाद होया, पर बीजी सच्ची दसां तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं तुहाडे नाल रहन तो बाद ही जान सकी हाँ। तो बीजी हुण तो मैं भी तुहाडे तो वन सवन्ने पौष्टिक ते स्वाद खाने बनाने सीखने हन, हुण तो मैं तुहानू किते नहीं जान देना। इन्ना कहिंदे होए उसने अपनी सास दे गल विच अपनियां बाहां पा दित्तियां ते फिर रोण लगी। लै दस चली, इन्ना भी कोई रोंदा, बीजी ने उसनूं झड़कदे हुए कहा ते उस दीआं अखां दे हंझू पूंजे। फिर बीजी ने प्यार नाल उसनूं कहा कि इन्ना प्यार मिलन तो बाद तां मैं भी तैनूं छड्ड के नहीं जा सकदी। उदों ही पिछों दोनों बच्चे भज्जे आए ते दादी माँ दीआं लत्तां नूं कस के फड़ लिया ते फिर शरारती अंदाज विच कहन लगे, दादी जी जे तुसीं जाणा भी चाहो तां असीं तुहानूं जाण नहीं देणा, असीं हुण तुहानूं नहीं छड्डांगे। बच्चों दी इन्हां गल्लां नाल सारे घर का माहौल खुशनुमा हो गया ते पूरे घर विच हासियां दीआं आवाज़ां गूंजन लगियां। सो दोस्तों, बजुर्गां दी छतर छाया विच पलन वाले बच्चों नूं
ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।